अखंड भारत के आवाज चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी गांव भंडारी मतलोडा के पास एक गांव है और मेरे पास काफ़ी फ़ोन और मैसेज भी आए और कल मैंने एक वीडियो भी देखी जिसके अंदर गांव का सर्वे किया गया था और ये बताया गया था कि गांव में कुछ भी काम नहीं हुए हैं। 90 में से 10% काम हुए हैं और 90% काम पिछला सरपंच करके जा चुका है। ऐसी कुछ बातें बाहर निकल के आई और कुछ गांव वालों ने भी इसके बारे में बोला था, तो अभी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले सरपंच साहब नमस्कार, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। नमस्कार जी। सरपंच साहब, जो कल एक वीडियो देखी मैंने जिसमें ये बताया गया कि भाई आपने बस 10% काम किया है, एक दो घड़ी की है, ऐसी चीजें, और कोई 7 लाख रुपए का कमरा भी बताया है। बिल्कुल, क्या कुछ है, काम किए हैं नहीं किए हैं, आपका क्या कहना है? देखिए भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरे गांव को और सभी युवा साथियों को बताना चाहता हूं कि जो काम हुए हैं वो आपके सामने है। किसी तरह की उसमें कोई त्रुटि है तो मुझसे आके भी संपर्क कर सकता है। सारा गांव मेरा अपना है, सारे भाई हैं। चलो किसी ने शिकायत की, किसी की नाराजगी होगी तो उससे भी मैं संतुष्ट हूँ। चलो भाई, सबके काम नहीं होते। और रही बात जो कल बड़ा चढ़ा कर एक पत्रकार भाई थे, वो अपना मीडिया पे दिखा रहे, सोशल मीडिया पर, कि भाई 7 लाख का कमरा है, 7 लाख का। उसमें हमने मंत्री जी थे, परिवहन मंत्री थे अपने किशनलाल कुमार जी, उनका गाँव के विकास में बहुत सहयोग रहा। हमने उनसे 7 लाख रुपये की डिमांड की थी कि कम्युनिटी सेंटर की छत है वो जो लीकेज थी उसमें, और एक रसोई की टॉयलेट की उसमें डिमांड थी। तो मंत्री जी ने फंड रिलीज किया था 5 लाख रुपए, मतलब 7 लाख रुपए थे जी, 7 लाख की तरफ से पेशकश हुई थी। तो उसमें 5 लाख रुपए हमारे को मिले थे जिसमें हमने रिपेयर छत का करवाया। उसमें पुरानी टाइल ही मैंने लगा के गाँव के पैसे बचाए, बल्कि कई लोग कह रहे थे कि नई टाइल लगाओ, तो हमने सोचे कि ये भी खराब जाएंगी, वेस्टेज जाएंगी। फिर उसमें 5 लाख में भाई सब GST भी जाती है, आपको भी पता है, पक्के बिल होते हैं हमारे पास, तो लोग तेज समझ लेते हैं। मैं भी बताना चाहता हूँ, सभी साधारण लोग हैं, मेरे गांव के भाई हैं, सभी मेरे अपना परिवार है। गांव राम ने सरपंच बनाया मेरे को, कोई मैं घर से नहीं बनाया, तो सबके काम ही नहीं होते। और रही काम की, मंत्री जी का पूरा आशीर्वाद रहा है। गाँव में 3-4 सड़कें बनी हैं, पहले किसी सरपंच एक भी गिनवा दे हुई किसी ने सड़क बनवाई हो पिछले 20 साल में। अभी मंत्री जी ने भंडारी से नैन की सड़क का निर्माण करवाया, भंडारी से कलखा की सड़क का निर्माण करवाया, जो सदियों से हमारे गांव की पुरानी डिमांड थी। और भंडारी से अध्याणा के रास्ते के ये 25-26 लाख रुपए एक्शन ऑफिस पंचायती राज में आए हुए हैं। मंत्री जी ने वो रिलीज किए थे फंड, वो इलेक्शन से MLA इलेक्शन से पहले, विधानसभा के इलेक्शन से पहले आए हुए हैं, लेकिन कुछ डिस्ट्रीब्यूट है, कोई टेंडर नहीं छटवा रहा, तो उसमें तो मैं भी नहीं कुछ कर सकता, ना मंत्री जी कर सकते, वो तो प्रशासनिक काम है, वही करेंगे। फिर सैनी चौपाल का है, मंत्री जी ने 20 लाख रुपए सैनी चौपाल के दिए, उसका निर्माण करवा, 13,70,000 रुपए महिला चौपाल के आए थे, उसमें हमने 11 लाख रुपए में वो कंप्लीट करी, बाकी फंड एक्शन ऑफिस में रह गया जी। व्यायामशाला है, 7 व्यायामशाला आई थी मेरे ब्लॉक में, तब भी मेरे गांव का पहला नंबर था। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई कि ग्रांट आया, कितना, 13,70 का काम कर दिया, 11 लाख रुपए ये एक पंचायत के लिए बिल्कुल जी बिल्कुल बहुत बड़ी उपलब्धि। ऐसी शमशान घाट था मेरे गांव में, पहले नहीं था, ऐसी भाई तंग रहते थे, देखो सबकी सामाजिक जरूरत है, यहाँ SC के और जनरल के शमशान अलग अलग है, तो आज तक शमशान नहीं बने थे, वो उनकी मांग थी। सभी मेरे गरीब तबका मेरे साथ था, पूरा आज भी है, पूरा गांव राम साथ है। तो 7,19,000 रुपए मैं बताना चाहता हूँ, मैं अपने लिए बड़ा ही मानता हूँ, 7,19,000 रुपए ग्रांट आई थी, उसमें भी 6,85,000 रुपए में हमने काम कंप्लीट किया। उसमें थोड़ा बहुत मिट्टी बर्त वगैरह रहता है, वो मनरेगा के थ्रू करा दिया जाएगा। फिर अम्बेडकर भवन का मंत्री जी ने पैसे दिए, अम्बेडकर भवन का निर्माण हुआ। फिर है जी ड्रेन है मेरे गाँव में, जो गंदा पानी था तालाबों में फैलता था, उसकी कीमत का तो मेरे को पता नहीं, इरीगेशन के माध्यम से हुई थी वो, लगभग मेरा मानना है 1.5 करोड़ रुपए करीब वो काम था, वो भी हुआ बिल्कुल, नहीं पक्की करा देगी जी, ड्रेन पक्की करा देगी। अब ये काम को लोग विकास नहीं माने तो वो तो मैं बता नहीं सकता, उनकी अपनी राय है। मतलब आपका कहने का मतलब है जितने भी गांव के सामाजिक काम थे, बिल्कुल साझे काम थे, वो बिल्कुल किए हैं, पूरे किए हैं। फिर जो हमारे बस की बात थी, जैसे कोई जरूरतमंद है, BPL परिवार है, गरीब तबके के लोग है, करीब करीब ज्यादा नहीं कहता जी मैं, 180 BPL थे और 70 BPL हमारे इस टाइम में बने हैं, और 80-90 करीब जी उज्ज्वला योजना के तहत हमने सिलेंडर दिलवाए हैं। रही बात जैसे ये योजना हो रहा है अपना, वो स्वास्थ्य योजना सेंटर की कोई, उसमें वो कार्ड बनते हैं,
स्वर्ण कार्ड बनते हैं, आयुष्मान कार्ड में भी गरीब तबके मेडिकल के लिए उसमें भी जोड़ने के लिए हमने प्रयास किए हैं। बाकी कोई भाई रह गया जरूरतमंद है, फिर है जी PMAY जो मकान आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें अभी 49 मकान पास हो रखे हैं। उसमें से कोई भी नजायज हो, कोई भाई भी आ गए मेरे से संपर्क कर सकता है या आगे भी कहीं प्रशासन में दफ्तर में जाकर पता कर सकता है। एक भी मकान इलीगल है, सारे इलीगल नहीं होगा। फिर दूसरी बात है, 7 मकान पहले आए, पहले भी पूछ लो उनमें 7 में। कल जैसे यूट्यूब पे भाई दिखा रहे थे, उसमें 2 महिला थी हमारी, सची ताई है, भाभी है, कोई भी है गाँव में माता है, उनके दोनों के मकान आ रहे जी। वह भी नहीं कह रही है कि भाई मेरा मकान नहीं आया, मेरा मकान नहीं, उनके दोनों के पास हो रहे। मतलब जो कल दो लोगों को बरगलाया गया जी, कोई ऐसी बात नहीं रही। बात साफ सफाई की, 2 स्वीपर है जी, अब 2 बंदे हैं मेरे गांव की जनसंख्या लगभग 8,500 के करीब, 2 बंदे तो देखो पूरे गांव को नहीं संभाल सकते, और पशुधन मेरे गांव में ज्यादा है। तो मैं सबसे अपील करता हूँ, हाथ जुड़ के आपके माध्यम से भी, सब का सहयोग चाहिए सफाई में। 2 बंदे तो देखो कोई भी हो, चाहे परमानेंट और लगा लो, 4 बंदे भी सफाई नहीं कर सकते गाँव में। फिर ऐसी स्कूल का एजुकेशन का लगा लो, मेरे गाँव की लड़की है पूरे हरियाणा में फर्स्ट आई 8th से 12th क्लास में, वो तो उसको भी मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित किया स्कूल में। आप जाके स्कूल प्रशासन से एडमिनिस्ट्रेशन से आप पता कर सकते हो स्कूल में हमने क्या काम किए। पीछे कमरे पड़े थे जिसमें किक्कर झाड़ सांप बसते थे, उनकी छत दिलवाने का काम मैंने किया, 10-15 साल से वैसे ही पड़े थे। फिर पानी की टंकी नहीं थी स्कूल में, बच्चे तड़पते थे, अड्डे में पानी पिघलते थे जी, वह पानी की टंकी का काम मैंने करवाया। फिर दूसरी बात, सोलर सिस्टम लगवाया, 15 पंखे दिए स्कूल में, क्यों मेरे बच्चे भी खुद सरकारी में पढ़ते हैं। कल एक माता जी कह रही थी कि उसके प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है, हमारे सरकारी में, मेरे खुद 3 बच्चे हैं, तीनों के तीन ने 12th में, मेरी लड़की है 10th में, लड़का है 9th में, तीनों ही पढ़ते सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि भाई मैंने कई बार देखा है, या कोई अफसर हो, या कोई सरपंच हो, या कोई मंत्री हो, या कोई MLA हो, उसके बच्चे बाहर ही पढ़ते हुए देखे हैं मैंने। ये सरपंच साहब पहले आदमी मिले हैं मुझे जो ये बोल रहे हैं कि इनके बच्चे गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। और फिर है जी, जैसे और भी रह जाते हैं, सामाजिक कार्य भी हैं, जैसे हमारे यहाँ बहन जी बैठते हैं, ANM है, उनको भी हमने इन्वर्टर उपलब्ध कराया है, ग्राम सचिवालय में है जी, बोरवेल लगवाया, खेड़ बनवाई पशु पानी पीने के लिए, एक घाट बनवाया, घाट का निर्माण करवाया यहाँ। तो जैसे होते रहते हैं जी काम थोड़े बहुत। फिर बाकी जैसे एक दरबार है, अगर है जी PWD सड़क बहुत ऊपर करूँगा, वहाँ पर हमने मनरेगा के तहत रास्ता बनवाया है, खड़ंजा लगवाया है, काम बहुत हुए हैं जी। बाकी देखो अपना अपना नजरिया, गलियों की तो गिनती नहीं है, कहना गलियाँ तो इतनी बड़ी हैं कि कोई भाई आएगा मेरे को ये बोल दे कि मेरा टुकड़ा कच्चा रह गया, कोई नहीं छोड़ा मैंने। अब जो दोबारा बनवाने की कोशिश, देखो ऐसा नहीं होता, सबके साझे काम है, जहाँ अर्जेंट है वो काम मैं पहले उसको प्राथमिकता देता हूँ, ना कि किसी की सिफारिश को, ना किसी के भाई भतीजावाद को, जो काम प्राथमिकता है गाँव की उसको मैं अपने लेवल पर पहले निपटाने की कोशिश करता हूँ। फिर गांव की कोई भी नाला नाली है, किसी क्रॉसिंग पे आप चले जाओ, हर नाली पे झाड़ झूल स्ट्रीट लाइट हमने लगवाई है, वाटर कूलर स्कूल में लगवाया है मैंने, कोई फर्म है यहाँ HRE लगी हुई है, बल्कि उनसे डोनेट किया मैंने, कोई पंचायत में बिल नहीं कट रहा, कोई भी आप जाँच करवा सकते हो किसी भी विभागीय अधिकारी से, हमने एक डोनेट किया उसने फर्म ने, वही लगवाया हमने स्कूल के अड्डे पर लगाया था, वो भी डोनेट किया, हमारे भाई हैं बलराम दामा और रविंदर शर्मा जी, उन्होंने भी मदद की, उन्होंने आगे से कहीं से वो मांगे लिया, हमने उनको रिक्वेस्ट की, कोई उनका जानकार था, उन्होंने उसने भी डोनेट किया वाटर कूलर लगवा, और स्कूल के पास नहीं, इस पे सॉरी ये है जी क्या कहते हैं, बस स्टैंड पे भाई कह रहा था कि पानी पीने की सुविधा नहीं है, हैंड पंप लगाया जी, देखो रख रखाव तो गाँव के लोगों ने करना है, मैं तो देखो हाँ बिल्कुल नहीं खड़ा हो सकता। एक भाई कह रहा है कि शमशान घाट का गेट नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, वहां सब न जलना फूकना है, उससे आगे कुछ चीज नहीं है। व्यायामशाला में मैंने अपने पास से फंड नहीं था, चलो अब तो बोली होगी, मैंने वो पास करवा लिया लड़का, उसमें बच्चे बोले कि मोटर डलवाओ जी, मोटर डलवाई, फिर बोले कि हैंडपंप लगवाओ, हैंडपंप लगा 2 बार मैं उसमें व्यायामशाला में हैंडपंप लगवा चुका हूँ। लेकिन मैं गांव वालों से भी अपील करता हूँ कि जैसे आप उसमें बहस चिराने लग जाए जी, व्यायामशाला में गेट तोड़ गए, 2-3 बार तोड़ चुके हैं, आप जाकर मौका देखो, स्टील की ग्रिल लगवाई थी, इतना अच्छा वो व्यायामशाला बनी थी, थोड़ी बहुत सबकी जिम्मेवारी बढ़ती है, ना कि मैं अकेले की, मैं आपके साथ मैं पूरे गांव के साथ ही सहयोग कर सकता हूं, और गांव मेरा सहयोग करेगा तभी। वैसे तो 5 साल निकल गए बहुत हंसी खुशी से, पूरे गांव ने सहयोग दिया। बाकी ये मेरे घर के पास ही है, कृष्ण कटारे घर के सामने पार्क का निर्माण करवाया जी, और गलियां तो बहुत है, कोई गिनती नहीं गलियों की। तो अच्छा जो 5 साल हुए हैं, 5 साल में भी ऐसा, जैसे एक पत्रकार आए हैं और उन्होंने वो वीडियो बनाई है,
पहले 5 साल के अंदर भी कोई ऐसा कुछ विरोध या किसी ने आपके सामने ऐसी कुछ शिकायत आई कि भाई काम नहीं हुए, जैसे 10% काम बताए, 7 लाख का कमरा बताया, कल ही चीजें बाहर निकल के आई है, पहले भी हुआ ऐसा? देखो मैं तो उस पत्र भाई की भी थोड़ी जी गलती बिल्कुल मैं भी चलता, मैं गाँव के लोग हैं, मेरे चाचे ताऊ हैं, सब भाई हैं, मैं भी चलता, मैं बताता, बताने को मैं मना करता। हाँ कोई काम है, कोई लेट हो गया, देखो तुरंत तो नहीं होता, कोई इतना बजट है, पंचायत के पास इतना फंड नहीं है, बाकी 7-8 लाख की, 9 लाख की भी चली जाती, कभी 10 की भी हो जाती, बोली होती है 22-23 एकड़ जमीन जो हमारी है जो पट्टे पर जाती है, उसमें से भी हमने किया। पंचायती जमीन में पहले कनेक्शन नहीं था, एक कनेक्शन था, 3 बोरवेल थे, मैंने एक कनेक्शन और करवा, एक बोरवेल लगवा, पूरी पंचायती जमीन में 22 किले हैं, पूरी की पूरी में पाइपलाइन लगवाई गई, हमारा जो पट्टे पर लेते हैं पैसे देते हैं भाई हमारे, तो अब उसको दिक्कतों का सामना करना पड़े तो मैं ऐसी नहीं चाहता, जो पैसे लगा रहा है तो उसको सुविधा भी मिलनी चाहिए। बिल्कुल जी, जैसे पट्टेदार हैं आप उनसे भी 2-3 बार लेते हैं तो उनसे मालूम कर सकते हो आप खेत में बहुत अच्छा बना रखा है। और अभी मेरा गाँव दीन बंधु ग्राम उदय योजना के अंदर सम्मिलित है, पूरे ब्लॉक के अंदर एक सुताना गांव, एक पुरलाना कला और एक मेरा गांव, 3 ही गांव है 34 गांव में जो दीन बंधु ग्राम उदय योजना के अंतर्गत है। मेरे गांव में पूरे गांव का सीवरेज सिस्टम एस्टिमेट बनकर जा चुका है, और यहां से जो कलखा रोड पर एक हमारी पंचायती भूमि है 8.5-9 किले, उसके लिए उसका एस्टिमेट बन चुका है, फंड रिलीज हो चुका है, 16 लाख रुपए यहाँ गाँव में से पूर्ण है, यहाँ से गाँव का गंदा पानी वहां जाके डलेगा और वहां पे पोंड बनाए जाएंगे, उसमें से लोग अपने पाइपलाइन दबा के अपने खेतों में ले जा सकेंगे, जिससे वहां पूरा एरिया मारू एरिया वो खुशहाल होगा, उसमें किसी के ऊपर कोई कर नहीं है, कोई उगाई नहीं देनी, कुछ बिल नहीं देना, वहां से अपना पोंड में से पानी अपना उठा करके वो ले जा सकते हैं। इसमें टाइम तो देखो अभी तो गेहूं की फसल है, जैसे गेहूं की फसल उठते ही पाइपलाइन का काम चालू हो जाएगा, अभी तो किसी की फसल में नुकसान हो जाएगा वो हम कर नहीं सकते और ना ही कोई करने देगा। तो सरपंच साहब जो जो काम हुए हैं, जैसे आपने जो काम गिनाए हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मैं उन स्थलों पर जाकर मैं अपने जो देखने वाले हैं वो देख भी ले, जो 10% काम करने वाले हैं, मैं तो किसी का ना पक्ष में हूँ ना विपक्ष में हूँ, मेरे पास तो जो इनपुट आई थी मैं 10% काम भी देखूंगा और 90% कौन से काम नहीं हुए हैं मैं भी देखूंगा। 7 लाख वाला कमरा मेरे भाई ने दिखाया था, मैं भी देखूंगा कि वे 7 लाख के कमरे में के काम हुए हैं के नहीं हुए हैं। अभी आया का पता लगेगा तो 5 लाख रुपए आए थे उसके, और 5 लाख में भी GST है, सरपंच साहब ने गणी चीज गणवाई थी, लैटरिंग बाथरूम टाइल वगैरह सारी चीज गणवाई है। तो अभी हम दिखाएंगे भी आप लोगों को कि क्या कुछ उसमें काम हुए हैं, कितना हुआ है, हमारे साथ पल पल की अपडेट्स के लिए। जैसे तुरंत पहले बर्त करवा गया था और पंचायती जमीन है, पहले यहाँ पे पूरा ओवर फ्लो रहता था, ये सारे गांव वाले जोड़ी वाला तालाब बोलते हैं इसको, पहले पूरा ओवर फ्लो था, मतलब ये आपके सामने ये दिखा रहे हैं, यहाँ पे पहले पानी खड़ा होता था पूरे 10-12 फ्लोट है पंचायती, यहाँ पे पानी भरा रहता था। ये मैंने सरपंच बनने के बाद ये नाला बनवाया यहाँ पे, और अभी सभी गाँव के लोग यहाँ बरत रहे हैं जमीन को अपना, इसमें कोई उपले बना रहा है, कोई कुछ अपने मतलब अपने खाद डाल रहा है। तो ऐसे ही है जी, जैसे आंगनवाड़ी सेंटर है, अभी ये पूरी तरह से थोड़ा काम इसका बाकी है, थोड़ा बहुत कुछ मेंटेनेंस रह रही है इसकी, तो जैसे ये बनाया पंचायती राज एक्शन ऑफिस के थ्रू काम हुआ है, बस हमने तो अपना कोशिश प्रयास है जी, मोटा मोटी काम हो गया है, थोड़ा बहुत इसका रहता है जी, वो कम्प्लीट हो जाए, बाकी मैं आपको सारे साइड पर चल के दिखाऊंगा, सारे नाले नालियाँ जैसे कुछ काम रह गए थे, नाले हैं, पहले एक मड़की वाला तालाब है हमारा, ओवर फ्लो रहता था, लोगों के खेतों में पानी जाता था, उसमें उसका नाला निकलवा दिया, आज वहाँ एक बूंद भी नहीं है, एक बूंद भी पानी की नहीं तो पहले ओवर फ्लो रहता था, सारे गांव के लोग परेशान रहते। ये आपको मैंने दिखा दिया जी, बाकी नाले नालियां गलियां आपको दिखा देता हूँ, मौके पे चलते हैं। मतलब मोटा सा इस जो ये आंगनवाड़ी बनी है इसका मतलब फिनिशिंग का काम इसका पेंडिंग है, कुछ लॉकडाउन की वजह से खुली नहीं है, जैसे कोरोना था तो जैसे वो आंगनवाड़ी वर्कर आ नहीं सकते, जैसे गवर्नमेंट की हिदायत के अनुसार जब खुल जाएगा और साफ सफाई इसमें हो जाएगी, जब बच्चे आने लगेंगे तब एक अलग ही रूप दिखेगा। बिल्कुल जी, तो और बाकी मैं आपको 7 लाख का कमरा कह रहा था वो भाई वो भी दिखा देता हूँ, जो है 5 लाख का, लेकिन 7 का कह रहा था, 7 का समझ लो, लेकिन है वो डॉक्यूमेंट में सारे वो बिल है, सब कुछ है, भी भरी हुई है, कोई फर्जी काम ऐसे हो तो भाई सब साहूकार बन जाए, ऐसे नहीं। ठीक है जी, मैं बाकी आपको तो साइड पर चल के मैं दिखा देता हूँ अभी। हाँ जी, तो पत्रकार जी मैं आपको बताना चाहता था कि जो कल परसों जो 2-3 दिन पहले जो वीडियो आई थी उसमें एक पत्रकार भाई कह रहे थे कि भाई 7 लाख का कमरा, ये कमरा है, इसकी 5 लाख रुपए हमारे ग्रांट ये है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, इस ये वाक्य में 5 लाख रुपए है, इसकी ग्रांटी 5 लाख रुपए आई है,
जिसमें से हमें 5 लाख में ये भी बना है, इसमें लेंटर लगाया है, बल्कि सारी 4 दीवार, एक दीवार ये पल्ले की थी, होल की बनी हुई थी, ऊपर फिर छत की रिपेयर की है। फिर आप नीचे दिखा सकते हो, इसमें इंटरलॉक टाइलिंग की गई है, 60 mm की है, नीचे करी गई है, ऊपर जो एरिया है ये 3000 वर्ग फुट है करीब करीब, जो ऊपर छत हमने पक्की करी है, उसमें टाइल आई नहीं है, टाइल पुरानी थी, पक्की हमने टॉयलेट बनवाए हुए हैं, टॉयलेट के खिड़की दरवाजे इनका लगने बाकी है, वो हम आगे जैसे पंचायती बोली होगी या जैसे बजट प्राप्त होगा उसको करवा देंगे। इस मंदिर के पीछे ही गली है, एक और दिखाना चाहता हूँ, कह रहे हैं क्योंकि गलियाँ नहीं बनी, गलियाँ बहुत बनी है, गिनती की है, लेकिन ये तो आपके सामने है उदाहरण, आप आगे हो तो आप दिखा सकते हो, मंदिर से लेके पूरा अंदर से लेके उधर मैन गली तक ही बनाई गई है जी, मतलब आगे बिल्कुल मैन गली तक, पहले गली नहीं थी, नहीं गली नहीं थी, खड़ंजा लगा हुआ था, पहले कच्ची गली थी, नहीं खड़ंजा था, पहले खड़ंजा था, इस पर इंटरलॉक टाइल हमने लगवाई है, और भी बाकी गलियां तो बहुत है, और अब मैं आपको दिखाता हूँ, अब स्कूल में भी दिखाता हूँ आपको कितने काम हुए हैं, जैसे अब कहने को तो कोई भी, मैं ये वीडियो जैसे आप मेरा कोई बनवाने का या कोई वोट मांगने का कोई वो नहीं था प्रोसीजर, तो मैं तो ये दिखाना चाहता हूँ, कुछ लोग जैसे आरोप लगाते हैं मेरे चाचे ताऊ भाई कुछ भी, मैं अपने आप को ये कह रहा हूँ भाई, किसी को कुछ डाउट है तो मेरे से आगे पूछ ले, नहीं तो अपना और जैसे जो कार्रवाई बनती है करे, लेकिन खाम खा बदनाम ना करे, मतलब आप सरपंच साहब आपका कहने का मतलब ये है अपना कोई सरपंच नहीं, नहीं मैं एक बार आप अपना पक्ष रख रहे हो कि भाई जैसे कोई भी कुछ कहने से पहले वीडियो डालने से पहले एक बार आपके पास आके बात कर ले, पूछ ले, तो तभी फिर भी आके कोई बाइक देखना चाहे तो मैं उसकी संतुष्टि के लिए 24 घंटे तत्पर हूँ, आ सकता है, लेकिन ना मैं कोई ये पॉलिटिकल उसके एजेंडे से या किसी तरह से मैं दिखाना चाहता हूँ, मैं बस एक ये हूँ भाई, मेरा पल्ला जड़ा है, मेरे को कोई लोग बेदाग हूँ मैं, लेकिन मैं निडर हूँ बिल्कुल, अब मैं पाक साफ हूँ, जिसको भी कुछ करना है भाई, कोई अपना और कोई RTA लगा के किसी माध्यम से पूछ सकता है, लेकिन खाम खामे किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल जी बिल्कुल, और ना मेरे को किसी सरपंच का लालच है, गांव ने एक बार मौका दिया, आगे किसी भाई को मिला है बहुत अच्छा है, जैसा मेरा साथ दिया सब कागजे भी ऐसे देते रहे, लेकिन अनाप शनाप बातबाजी ना करें, एक्सपीरियंस की सारे सरपंच का जैसे 5 साल होना रहे जी, बहुत अच्छा रहा, लेकिन गाँव राहों का सही हो गया, लेकिन अब पता नहीं क्या बात है, चुनाव आ रहा है इसलिए कुछ सरगर्मियाँ तेज है, तो मंदिर में एक बार चल पड़ते हैं, मंदिर देख लेते हैं कितने रख रखाव है, बिल्कुल जी मंदिर में बहुत अच्छा काम करे हमारे महात्मा जी हैं जी, मंदिर में बहुत अच्छा है, हमारे महात्मा जी हैं, गुरु जी हैं, उन्होंने बहुत काम किया है, गाँव का भी पूरा योगदान रहा है, और हमारे से भी जो बन पड़या अपने घर से कोई पंचायत के उससे भी जो भी दान दक्षिणा जिसे हमारे रुकू की जी वो भी दी है भाईचारे के हिसाब से, और गाँव में आप देख सकते हो मंदिर में तो 4 चांद लगा दिए हमारे महात्मा जी ने, मैं बहुत अच्छा काम किया गुरु जी ने हमारे, पत्थर वगैरह टाइल वगैरह लगा बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल पूरे ग्रीनरी का जैसे बिल्कुल जी सब्जी वगैरह पूरे गांव का सही हो गया, बाकी सबसे ज्यादा तो आशीर्वाद हमारे बाबा जी का है जिन्होंने मेहनत लगन से काम करवाया पूरा, तो प्राचीन मंदिर है इसमें जैसे 4 चांद लगे हुए हैं, पूरे गांव के सहयोग से बहुत काम हुए हैं, और कहने वाले तो कुछ भी कहते रहेंगे, कोई गुरु जी को भी बदनाम करता रहेगा, किसी को भी करता रहेगा, लेकिन किसी के कहने से कुछ नहीं होता, तथ्य लाने पड़ेंगे सामने दिख रहे हैं, लेकिन ये गांव राव के कोई पंचायत फंड से नहीं है, ये गाँव राव के सहयोग से बना है, अब जैसे सरपंच साहब आंगनबाड़ी भी देख लिया, 7 लाख वाला कमरा 5 लाख का है वो भी देख लिया, उसके काम भी देख लिया, उसके भी और भी दिखाता हूँ आपको, अब आगे हम और काम भी स्कूल का भी दिखाता हूँ, स्कूल में आपको जो अभी तो जैसे खुल गया होगा, टीचर हैं सब आप वो रूबरी करा देते हैं, चलो अब हम स्कूल में चलते हैं, ठीक है चलो, ओके सर, ये गाँव का सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जी, इसे देख रहे हैं आप, सारी बिल्डिंग नई बनी, कल ये कड़ी काटती बनी हुई थी जिसमें कड़ियाँ आई थी, टाइलें आई थी, अब ये लेंटर वाले लेंटर ही पक्की बना दी थी, इसमें मोहित अग्रवाल CJM जी थे, उनका बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने आपके प्रशासन तक इसकी आवाज़ पहुँचाई, पहले हमने उनका प्रोग्राम किया था, वे छत में से टुकड़ियाँ गिरती थी, बच्चों का चोट लगने का अंदेशा रहता था, अब पूरी बिल्डिंग स्कूल प्रशासन के सहयोग से और मंत्री जी के आशीर्वाद से पूरी बिल्डिंग नई बन गई, अब मैं अंदर दिखाता हूँ, बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर ये पूरे टाइलिंग वगैरह क्लीन है, नई बिल्डिंग में जैसे टाइलें हैं और पार्क है, किस प्रकार से पार्क हो रहे हैं, ये इंटरलॉक टाइलिंग है, ये सारी ग्राम पंचायत द्वारा की गई है, जैसे आप मैं आपको कहना चाहता हूँ एक बार इस पर कैमरे में लें इसको, पूरे स्कूल में इंटरलॉकिंग टाइलिंग बरामदों के आगे से की गई है ग्राम पंचायत के, और कोई नहीं किया गया ग्राम पंचायत के, मैं ये नहीं कहता आपको कि मैंने ये कर दिया, जैसे इसमें प्राइमरी स्कूल में भी है, ऊपर आप थोड़ा सा मैं कहूँगा अपना कैमरा पहुँचाएं, वहाँ सौर ऊर्जा का सोलर का प्लांट लगाया हुआ है, और 15 पंखे जी हमने कहने 15 पंखे स्कूल में दिए हुए हैं,
और साथ में पीछे उसके साथ में आपको दिखाना चाहूंगा मैं पानी की टंकी बनाई गई, बच्चे पानी पी कर दिया जैसे पानी की टंकी बनाई गई थी, जैसे बच्चे अभी स्कूल बंद थे लॉकडाउन के दौरान, इसमें किसी बच्चे शरारती तत्वों को फाड़ देते हैं, चौकीदारों को भी परेशान करते हैं, मैं तो उनको भी हाथ जोड़कर कहना चाहूंगा कि भाई इनको ना तंग करें, हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, हमारे स्कूल की रुखाड़ कर रहे हैं, चौकीदारा कर रहे हैं, गाँव की संपत्ति है, इसको नुकसान ना पहुंचाएं। ये सोलर सिस्टम लगा गया है जी, 15 पंखे ग्राम पंचायत के द्वारा दिए गए और बाकी बिल्डिंग आप देख रहे हो सारी चकाचक है। और दूसरी ओर भी मैं आपको ले जाना चाहूंगा, वहां दिखाऊंगा मैं आपको, दो कमरे थे, अभी स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, नहीं तो चौकीदार हमारे साथ मौजूद है और कर्मचारी भी है, इसी दो दो कमरों में छत लेवल तक पहुंचा था। छत क्या हुआ था पहले? पहले उसमें छत नहीं थी जी, छत जैसे मास्टर जी ने इनका कोई फंड आया होगा, लेकिन उसका फरस लिपाई वगैरह वो ग्राम पंचायत के द्वारा कराया गया, छत स्कूल के द्वारा डलवाएगी, मतलब अधूरा काम पहले यहाँ पूरा करवाया जी। बिल्कुल पहले यहाँ पेड़ पौधे थे, पेड़ पौधे थे अंदर, उसके कीकर जंगल बना हुआ था जी, बिल्कुल सांप वगैरह और कीड़े मकोड़े ज्यादा रहते थे, ये तो सारे से आप भी आते जाते ही पूछ सकते हैं। बाकी टॉयलेट वगैरह सारे स्कूल में बढ़िया सुविधा है, और जैसे ही फंक्शन हुआ है, हाँ ऐसे तो नहीं है जैसे कई बच्चे कह रहे हैं स्पोर्ट्स की और कोई ध्यान नहीं, कोई बच्चा ट्रक चला रहा हुआ आगे यहाँ खेलने लग जाए, उसके लिए कुछ नहीं है। जो गांव में बच्चे स्कूल में खेलते हैं, स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं, वो आप स्कूल में बच्चों को आगे देख सकते हैं। नहीं 26 जनवरी को मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप आइए और हमारे यहाँ का प्रोग्राम देखिए, बहुत अच्छा सिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। धन्यवाद। जो ड्रेन है जी, ये ड्रेन गाँव के अंदर निकासी है इसकी, गाँव के अंदर से होकर गुजरती है, इसमें पूरे तालाबों में गंदा पानी और तो इसका सारे तालाब भर जाते थे, तो अब इसको पक्का कर दिया गया है, मंत्री जी द्वारा इसकी ग्रांट दी गई थी। चलो इरीगेशन महकमे अपने अपने काम करते हैं, वो आपकी निगरानी में हो। बिल्कुल जी, इस पुल का उद्घाटन मिलकर मैंने किया था खुद, मंत्री जी ने कहा कि आप ही कर दो, ये पुल भी नया बना गया है और ये गाँव की बसा नहीं था जी, ये डैमेज हो चुका था पहले का बना था, इसकी वारंटी खत्म हो रही थी, तो अब ये पुल भी मंत्री जी ने कहने पर बनवा दिया और ये पूरे गांव को क्रॉस करिए जी ड्रेन, ये जहाँ तक बस्ती है, ये पक्की है। हाँ जी, बस्ती के अंदर है ये, 1,45,00,000 के करीब इसका एस्टिमेट था, और जैसे थोड़ा बहुत राउंड फिगर जो होगा वो डिपार्टमेंट को पता होगा, ये काम ही तो है जी। और बताओ इससे अलावा और क्या विकास होता है? तो कहने का मतलब ये है, बिल्कुल जो, जो भाई मतलब मैंने वीडियो देखी 10% काम 90% नहीं हुआ। नहीं जी, मैं ये कहता हूँ, मैं 10 साल जितनी ईंट मैंने लगा दी होगी, मैं ईंट गिनवा सकता हूँ जितनी 10 साल में ईंट लगी होंगी, मैं चैलेंज करके कहता हूँ बाई गुड, मैं अगर मंदिर है चाहे नेम करवा ले, 10 सालों जितनी ईंटें मैंने लगा चुका हूँ मैं गाँव में, अब फिर भी कोई कहे। और सड़कें मैं आपको दिखाना चाहूँ, ले जाके नैन से भंडारी, भंडारी से कलखा, अध्याणा से जो पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, उनके पैसे आए हुए हैं, उसका काम कभी भी चालू हो सकता है, और सीवरेज सिस्टम का और वो सारा अपना काम बिल्कुल ओके है जी, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसीजर में है, पूरा होगा, कोई दिक्कत नहीं। चाहे आने वाला कोई भाई दूसरा सरपंच करेगा, लेकिन सबका सही होना चाहिए, पूरे गांव का, आगे वाले को भी चाहिए, मैं बिल्कुल तन मन धन से कोई भी सरपंच बढ़ा उसके साथ हूँ। सरपंच साहब ने काम भी दिखाया, और मैं कोई घनी दूर तो नहीं हूँ, मैं भी यहीं आसपास के गाँव से ही हूँ, और मैंने देखा है कि भाई जैसे अभी सरपंच साहब ने ट्रेन दिखाई, ये पुल दिखाया, और काफ़ी चीज़ें देखी हैं, और मुझे गाँव वालों से पता भी लग गया है कि भाई गाँव में जैसे 10% और 90% की बात चल रही थी, तो मेरे हिसाब से 90% काम हुए हैं। जो मेरा मानना है, मैं किसी के ऊपर अपना मानना थोपूंगा नहीं, जो मुझे लगे, फिर भी यदि किसी को कोई शिकायत है तो सरपंच साहब से आके मिलो और सरपंच साहब से बात करो कि क्या दिक्कत है, कहाँ पर है, कहाँ पर वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, कि भी उस मिसअंडरस्टैंडिंग को हटाया जाए। तो अभी इस वीडियो के साथ अपनी मैं ये वीडियो यहीं पे अपनी समाप्त करना चाहूँगा। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।